इसमें प्रारंभिक जो है मर्ग की कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रारंभ की गई है, और जैसे भी मर्ग की जांच में स्थिति बनती है, अगर मामला दुर्घटना का, आत्महत्या का या हत्या का, तीनों में से किस श्रेणी में आता है, उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। विरोध को देखते हुए क्या इंतजाम किया? जो जब भी कोई ऐसी मुहिम होती है जिसमें विरोध प्रदर्शन रहता है, तो पूर्व से जो संबंधित एजेंसी है, नगर निगम है, प्रशासन है, उनके साथ में मिलके पुलिस उस क्षेत्र में आकलन करती है पूर्व से कि विरोध का स्तर क्या है या किस प्रकार से हो सकता है, और उस पूर्वानुमान के मुताबिक उसमें फोर्स डिप्लॉय किया जाता है। इस मामले में भी पुलिस पूर्व से इसका आकलन करेगी, विरोध का जो स्तर है और जो संबंधित एजेंसी है उसे चर्चा के उपरांत बल इसमें दिया जाएगा। मामले से आते हैं कि फेसबुक पर या दूसरे सोशल साइट्स पर एक वीडियो कॉल आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और न्यूड वीडियो बना लेते हैं, इसके बाद ब्लैकमेलिंग होती है, तो पुलिस इसमें किस तरीके के मामले ये सर हैंडल करती है और इसमें किस तरह बचा जाए? साइबर से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उसमें लगातार लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य नगरीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसमें मुख्यतः जो अपराध की एक नई श्रेणी आई है उसमें कई बार वीडियो कॉल करके जो है अपराध घटित किया गया है। जो पूर्व में नगरीय क्षेत्र में हुए अपराध उसमें पुलिस ने आरोपियों को भी पकड़ा है। इसमें यही बताया जा रहा है सभी लोगों को जो साइबर का उपयोग करते हैं कि अननोन नंबर से या जो नंबर को पहचानते नहीं हैं या कोई संदेह में है, तो उसमें वीडियो कॉल को डायरेक्ट अटेंड ना किया जाए, उस नंबर पे ऑडियो या मैसेज के माध्यम से भी पहले उसको कंफर्म किया जा सकता है। वीडियो डायरेक्ट अटेंड करा है जिन फरियादी ने, उसमें ही डायरेक्ट इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। बाकी ऑनलाइन जो मोडालिटीज़ व्यक्ति को फॉलो करनी चाहिए कि आइडेंटिफाइड जो प्रोफाइल्स हैं या सोशल मीडिया पे जो वेरीफाइड अकाउंट हैं, केवल उन्हीं से संपर्क रखना चाहिए, जिससे कोई अनऑथराइज्ड या फर्जी व्यक्ति संपर्क में ना आए, जिससे जो अपराध बाद में घटित होते हैं। तो सभी जो यूज़र्स हैं साइबर के, उनको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक एनोनिमस रहता है ये व्यक्ति, पर्दे के पीछे से इसमें कार्य करता है और फर्जी अकाउंट भी बनाए जाते हैं, तो उसे सतर्क रहा जाए। ये भी अगर किसी का प्रोफाइल फ़ोटो को एडिट करा जा रहा है या अन्य ग्रुप में अनऑथराइज्ड तरीके से, अनाधिकृत तरीके से भेजा जा रहा है, तो भी अपराध की श्रेणी में आता है। कुछ ऐप्स इस तरह का जो है, आपका पूरा मोबाइल में जो डेटा होता है उसको आप जब अलाउ करते हैं तो वो डेटा को सेव कर लेता है, और उसी के माध्यम से फ़ोन बुक के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उस पर मैसेज भेजा जाता है। मुख्यतः लोन ऐप जो हैं इस प्रकार के कार्य में शामिल रहते हैं, तो जो भी पुलिस के संज्ञान में आता है उस पर अपराध दर्ज करके पुलिस आरोपियों को पकड़ती है। किंतु जब भी कोई ऐप के माध्यम से कोई भी ट्रांजेक्शन किया जाए तो उसमें सतर्कता रखनी चाहिए कि कौन से ऑथोराइज जो ऐप हैं जिनको आप एक्सेस दे रहे हैं अपने सिस्टम का।